हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। मैं आपका दोस्त राज, और आज हम बनाएंगे शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो की रबड़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही डिलीशियस लगती है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और खैर, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है रबड़ी। तो आज शकरकंदी से और दूध से मिक्स करके बनाएंगे हम रबड़ी। बहुत ही खाने में डिलीशियस लगती है, और ज़्यादा इसको बनाना मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको करीब जितनी देर आलू बॉईल करते हैं उतनी देर हमने इसको बॉईल कर लिया है। अब इसको छील कर हम कद्दूकस कर लेंगे। बारीक वाले जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं कद्दूकस के, उससे इसको कद्दूकस कर लेंगे। सबसे पहले ये शकरकंदी बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिए, और लास्ट का जो बचे तो उसमें तार होंगे, जाले होंगे, तो वो आप निकाल दें। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने 350 ml दूध लिया है। दूध में सबसे पहले हम ये ऐड कर देते हैं। शकरकंदी हमने इसमें डालकर अच्छे से मेल्ट कर लिए, और बाकी जो बचेगी वो हम इसको चढ़ा देते हैं अब गैस पर। और बाकी ये इसके अंदर, अब इसको हमें मेल्ट करना है, चलाते रहना है कम से कम 7 मिनट तक। हमारे इसमें बबल आ रहे हैं, जब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने करीब 20 से 22 बादाम लिए, भिगो कर छिलकर निकाल लिया है। ये मिक्सी के जार में डाल देंगे, और उसके बाद डाल देंगे 8 से 10 चाकू काजू इसके अंदर, और थोड़ा सा दूध डालकर इनका बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। बबल आ रहे हैं, और आपको क्या है, इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहना है, वरना ये दूध और आपकी रबड़ी सब बाहर आ जाएगी। और गैस आपको मीडियम लो फ्लेम पर ही रखनी है। तो वैसे इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। अभी इसे 2 मिनट हुए हैं चलाते हुए, 5 मिनट हमें इसे चलाते हुए हो गई, हल्की सी हो गई ये गाढ़ी, ये देखिए। और गैस करते बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब ये मार दी छींटे, तो यहाँ पर अब इसमें डालते हैं हमारा काजू, और जो बादाम का हमने पेस्ट बनाया था मिक्सी में, वो इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले काजू और बादाम का पेस्ट डाल दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, साथ में डालेंगे मेरे पास थोड़ी सी दूध में से निकाली हुई मलाई है, करीब 25-30 ग्राम, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ में डालेंगे इसमें थोड़ा सा केसर का पानी और केसर के धागे, और अब इसे चलाएंगे। अब इसे 5 से 6 मिनट हमें और चलाना है, पर उससे पहले अब इसमें हम फाइनली डाल देते हैं शक्कर। 75 ग्राम शक्कर लिए मैंने, इसमें ऐड कर देते हैं। और आप अगर शक्कर अवॉइड भी करेंगे, अगर आपको चीनी मंद है, मतलब बंद है, या डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो आप चीनी का ना डालें। और ये भी काफ़ी ठीक ठाक मीठी होती है जो स्वीट पोटैटो शक्करकंदी होती है। तो बस अब इसे 5 मिनट और इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे हम। ये हमारी रबड़ी देखिए बनकर तैयार है। मैं इसको इतनी थोड़ी सी पतली रख रहा हूँ, अगर आप चाहें गाढ़ी करना चाहते हैं तो आप इसे 5 मिनट और चला लें। यहाँ इस स्टेज में आके 5 मिनट और चला तो हल्की सी ये गाढ़ी हो जाएगी। और अब यहाँ मैं तो कर देता हूँ गैस बंद। और फ्रेंड्स, ये हमारी शक्करकंदी यानी स्वीट पेटेटो की शकरकंदी की, सॉरी, रबड़ी बनकर तैयार है। और आपने कभी ये बनाई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये काफ़ी हेल्दी है, और आप भी ज़रूर ट्राई करें स्वीट पेटेटो की शकरकंदी की रबड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए, जो बनाया है मीठा दूसरों को खिलाकर खत्म करते हैं।